हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। सीधा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे कार्ड जैसे कि कंफ्रंट, रिलीज, डार्केस्ट फियर, चूज योर बैटल्स, कंट्रोल, टेन ऑफ वैंड्स, द फूल, द मून, थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड द जस्टिस, क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स, बॉटम में यहाँ पे द एम्प्रेस। तो आपके जो भी क्रश है स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सैजिटेरियस के हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे। नंबर यहाँ पे 3, 18, 10, 16, 13, 9, 7, 8, 1, 9, 9, 9, 14, 9, 9, 9 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर 17 और 18 भी यहाँ पे, ठीक है। आपके क्रश के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके क्रश जैसे कि आपके और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके लुक को बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके फोटोज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इस वक्त, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और आपको नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख पा रहे हैं। जैसे कि अब जो आप इनके और देखना नहीं चाहते, अपने लाइफ में फोकस्ड हो, ग्रो कर रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके क्रश को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। चांसेस बनते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चांसेस एकदम स्ट्रांग है कि रोमांटिक है। लेकिन अगर आपको लगता है रोमांटिक नहीं है, तो जो भी थर्ड पार्टी आपको पता है उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है आपके क्रश और दिल से उनको अपने इस रिलेशनशिप से निकालने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनके मम्मी पापा है तो फिर भी आपके जो क्रश है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। उनका जो भी थर्ड पार्टीज के साथ रहते हैं ना, इनकी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती रहती है हमेशा, ठीक है। हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है, भले इनके मम्मी पापा या जो भले इनके मम्मी पापा हो या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, लेकिन हैप्पीनेस नहीं रहती उनको उनके साथ, ठीक है। इनको जैसे कि इस बात के ऊपर कंप्लीट भरोसा है कि अगर ये आपको प्रपोज करते हैं, जैसे कि आपने तो पहले किया था और आपको इस तरह से फील होता है कि इन्होंने जैसे कि आपके साथ इनजस्टिस किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा रिश्ता तो इतना अच्छा था, लेकिन जो कि इसने मेरे बारे में जैसे कि मुझे रिजेक्ट करते टाइम एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है। ये इसीलिए नहीं सोचा था इन्होंने क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज की बातों में आते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज है, उस थर्ड पार्टी ये थर्ड पार्टी जो है ना, इनको आग लगाने के काम करती है, आपके इस रिलेशनशिप में जहर घोलने का बहुत ज़्यादा काम करती है। और आपके जो क्रश है ना, जैसे कि उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और अकेलेपन को बहुत ज़्यादा फेस करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि दिल से दुआ भी करते हैं कि ये आपको खोना नहीं चाहते, इस वक्त की फीलिंग्स भी इनकी यही है कि खुद पे भरोसा है, अगर मैं बात करूँगा तो रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज है वो इनको आपको लेके कुछ भड़का रही है, ठीक है। कुछ गलत सलत जहर उगाला जा रहा है, आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, आपके बिहेवियर के ऊपर, जैसे कि आप मतलब फ्यूचर में अच्छे साबित नहीं हो सकते, ऐसा कुछ इनको बताया जा रहा है। तो ना, जिसकी वजह से आपके क्रश ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। डार्केस्ट फियर, इनको ना डीप सबकॉन्शियस माइंड में ना आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि ये दिल से आपको लाइक करते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में हुआ है, बुरा जो भी है, उसको रिलीज कर रहे हैं और जैसे कि आपको लेके पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज योर बैटल्स यही शो करता है, आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में देख पा रहे हैं, जैसे कि जो पर्सनैलिटी इन्होंने अपने माइंड में आपको लेके बना के रखी है, जो थर्ड पार्टीज इनको बताते हैं और जो कि इनको लगता है कि अगर ये आपसे अलग हो जाएंगे या तो हमेशा आपके लिए आप इनसे मूव ऑन हो जाओगे तो ये कैसे रह सकते हैं, ये तीन टाइप से आपको लेके सोचते हैं। और जो कि इनका डिसीजन इस तरह से ही है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगा और ये जो कि इनसे आप ये आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इनका आपको डेफिनेटली रिसीव होने के चांसेस है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं और जो कि ऑफिस प्लेस में, अगर आप एक जगह पे काम करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें करते हैं। और जैसे कि जो भी बातें बताई जाती हैं, इनका दिल करता है कि इस वक्त भी इनका दिल कर रहा है कि अभी जाके आपको पूछूँ क्या ये सब कुछ सच है,
लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं, इनका नज़र आपके ऊपर कंप्लीट है, इस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मुझे मतलब इग्नोर करता रहता है, ये क्या मुझ पे नज़र रखेगा, तो ये आपको चोरी छुप के नज़र रखते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं होता है कि आपको देख रहे हैं, लेकिन ये देखते रहते हैं, किसी और से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, आपके सोशल मीडियाज के ऊपर नज़र रहती है। आपको बस ऐसा लगता है कि ये आपको मतलब देखते नहीं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है। और जैसे कि कंट्रोल कर रहे हो, इनको ये दिल से फील होता है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। इन्होंने अगर आपको पास में मना किया था ना, दिल से इस वक्त आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके इमोशंस इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के पास को जो भी थोड़ा बहुत है उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज है उनका, ठीक है। जो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इस बर्डन से वो बाहर निकलना चाहते हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे खुद होके वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो यहाँ पे लव का कार्ड आ चुका है, ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, दिल से इनको आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त महसूस हो रहा है। और आप यहाँ पे देखो, ये खुद होके अपना हार्ट आपको बता रहे हैं कि यस मैं दिल से तुझे चाह रहा हूँ, क्या तू मेरा प्रपोजल स्वीकार करेगी, इस तरह से आपका हाथ मांग रहे हो, ठीक है। दिल से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो यस, यही है आपके क्रश के इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइड कर यूनिवर्स हमें थ्रू मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इन्हें क्या पता होना चाहिए इस वक्त। लेट गो, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा अटके हुए मत रहो इनके अंदर, आप अपने लाइफ पे फोकस्ड करो। अगर आप लेट गो कर पाते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बस क्या कर रहा है, आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा, एक्शन कब आएगा, बात करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ सोचना बंद करो, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस आप अपनी एनर्जीज निकाल दो, कहीं और शिफ्ट करो, लेट गो कर दो, आपका ये रिलेशनशिप फ्यूचर में डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।